हाँ भाई, Xiaomi के फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आए और उसमें बग ना रहे, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हेलो दोस्तों, टेक्नो सुबम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MIUI 12.0.2.0 के बग के बारे में। तो दोस्तों, MIUI 12.0.2.0 का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको Redmi Note 9 Pro Max में कल यानी 16 दिसंबर के दिन मिला था। मैंने उस पर एक वीडियो बना डाला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई कार्ड में वीडियो दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने इंस्टॉल किया, उसके बाद मैं अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। उस बीच दोस्तों मुझे बहुत सारे बग देखने को मिले हैं इस फ़ोन में, तो मैं आपको एक एक करके ये सारे बग बताता हूँ। आप नीचे कमेंट में रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ये बग देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं, या आपके फ़ोन में अगर कोई और भी बग है तो आप एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा, और साथ में अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और जो सबसे पहले नंबर का बग है हमारे लिस्ट में, वो ये है कि दोस्तों, MIUI 12.0.2.0 का अपडेट जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें फिर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो काम नहीं करेगा टच करने पे। जी दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बग है, बट रुको जरा, सबर करो। बट दोस्तों, जब मैं बहुत डिटेल में गया तब मुझे सेटिंग में जाने के बाद पता चला कि ये कोई बग नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम, मतलब एक सेटिंग आपको मिल गया है जो बाय डिफॉल्ट रहता है। इसको सही करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा अपने सेटिंग में। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो फिर लॉक स्क्रीन में जाइए या फिर फिंगरप्रिंट में जाइए, तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको, देखिए मैं डिस्प्ले पे दिखा भी रहा हूँ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज का, वो रहेगा आपका मतलब प्रेस पे, मतलब जब आप बटन प्रेस करेंगे तो उस पे वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। भले ही आप इसके पहले ही आप जब सॉफ्टवेयर अपडेट किए होंगे उसके पहले आपका वो टच पे ही होगा, आप टच करते होंगे आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जाता होगा, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता होगा फिंगरप्रिंट से। बट दोस्तों, MIUI 12.0.2.0 जब आप एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो वो ऑटोमेटिक ही वो चला जाएगा प्रेस पे, मतलब जब आप अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर पे जाके टच करके प्रेस करोगे बटन, तब जाके वो अनलॉक होगा। तो यार, इसको दोस्तों आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हो, आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है ऑप्शन पे और वहाँ पे टच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, तो फिर सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो आप जब नॉर्मली टच करोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ तो शुरू में अभी कई लोगों को बग लगेगा कि यार फिंगरप्रिंट स्कैनर तो काम ही नहीं कर रहा है, बट आप सेटिंग में जाके उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। आपको प्रेस हटा के आपको टच करना है, आप टच करोगे तो फिर आपका पहले की तरह नॉर्मल वर्क करेगा। तो ये था हमारा पहला बग, अब ये बग नहीं था, ये सेटिंग था। तो इसको आप जान गए तो आपके लिए सेटिंग, अगर नहीं जाने आप ये तो आपके लिए ये बग है। अब बात करते हैं हमारे ऑफिशियली पहले बग की और लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो बग है उसकी। तो दोस्तों, जो दूसरा बग है वो मेजर बग है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग फेस करेंगे क्योंकि वो एकदम डेली लाइफ में यूज होता ही है उसका, और नॉर्मली कोई भी उसको पकड़ सकता है। तो दोस्तों, ये होता है आपका कंट्रोल सेंटर में। जब आप अपना कंट्रोल सेंटर नीचे स्लाइड करेंगे, जब आपका कंट्रोल सेंटर आ जाएगा तो ऊपर आपको जो चार टॉगल दिए गए हैं, मेन ऑप्शन एक डाटा ऑन का, दूसरा ऑप्शन है वाईफाई ऑन ऑफ का, उसके बाद आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, फिर आपको मिलता है टॉर्च का, मतलब फ्लैश लाइट का। तो ये दोस्तों चारों ऑप्शन में आप कुछ भी ऑन ऑफ करते थे पहले तो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता था, मतलब आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट होता था, तो आपको पता चलता था कि हाँ, हमने यहाँ पे टच किया और ये ऑन या ऑफ हुआ। बट अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी आप टच करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे इन चारों में से कोई भी ऑप्शन, चाहे वो आपका डाटा ऑन ऑफ हो गया, चाहे वाईफाई ऑन ऑफ हो गया, चाहे आपका ब्लूटूथ ऑन ऑफ हो गया, और चाहे आपका ये फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो गया, अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो आपको कोई भी हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलेगा, कोई भी आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं होगा, आपको कुछ मतलब पता नहीं चलेगा कि मैंने टच किया या नहीं किया, वो आपका वाइब्रेशन नहीं होगा। तो ये बग है, क्योंकि मैं सेटिंग में जाके देखा तो इसको ऑन ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बग है जो है MIUI 12.0.2.0 में। अब आप उसके नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको लोकेशन, साइलेंट, एयरप्लेन मोड सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उस पर आप टच करेंगे तो उस पर आपको वाइब्रेशन फील होगा, हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। बट दोस्तों, ऊपर वाले चार ऑप्शन में आपको हैप्टिक फीडबैक और वाइब्रेशन का कोई भी फील नहीं होगा, आपका वाइब्रेट नहीं करेगा फ़ोन। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे बग की। तो तीसरा बग ये है कि कभी कभार हुआ, अभी मैं इतने देर से फ़ोन यूज़ कर रहा था अपना,
तो उस बीच मुझे कई बार मैसेज टाइप करना हुआ, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना हुआ, तो मैं कीबोर्ड पे जब टाइपिंग करता था तो मुझे उस बीच भी कभी कभी हैप्टिक फीडबैक मिलता था, मतलब वाइब्रेट होता था बटन्स प्रेस करने पे, और कभी कभी नहीं होता था। तो ये भी एक वक्त मुझे दिखा है। अब आप लोग को दिखा ये नहीं दिखा आप लोग नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जब भी कोई मैसेज टाइप कर रहा हूँ या आप लोग का कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, कमेंट वगैरह लिख रहा हूँ, तो दोस्तों उस कीपैड पे मुझे आपका कोई भी मतलब हैप्टिक फीडबैक नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब भी मैं कोई मैसेज टाइप करता था या कुछ भी करता था मुझे हैप्टिक फीडबैक मिलता था और फोन मेरा वाइब्रेट करता था, बट अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बग देखने को मिला है। और दोस्तों ये कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, एक दो बार हो रहा है पूरा वाइब्रेट हो रहा है, फिर कुछ बार कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों जो चौथा बग है वो ये है कि जब भी मैं अपना पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ बस डिस्प्ले ऑन करने के लिए या डिस्प्ले वेकअप करने के लिए, या फिर मैं स्क्रीन पे डबल टैप कर रहा हूँ मेरा डिस्प्ले वेकअप हो रहा है, तो तुरंत वो ऑफ हो जा रहा है। मतलब जैसे मैंने किया वेकअप हुआ तुरंत ऑफ हो जा रहा है देखते ही। मतलब अब ये किस तरीके का बग है यार, मतलब मैं डिस्प्ले ऑन कर रहा हूँ टाइम वगैरह देखने के लिए, एक सेकंड में तुरंत वो ऑफ हो जा रहा है, फिर मुझे पावर बटन प्रेस करना पड़ा है, फ़ोन अनलॉक करना पड़ा है, तब जाके पूरा वो प्रॉपर ऑन हो रहा है। नहीं तो पहले क्या था, डबल टैप करो तो डिस्प्ले ऑन रहता था जितना भी सेकंड के लिए होता था, 4-5 सेकंड 6 सेकंड के लिए, उसके बाद हल्का सा डिम होता था फिर ऑफ होता था। अभी तो डिस्प्ले आप डबल टैप करके ऑन करो उसके बाद तुरंत वो ऑफ हो जा रहा है। तो ये भी एक बग है। तो टोटल मुझे ये 4 बग देखने को मिले हैं, जिसमें से 3 मेजर बग है और एक आपका तो सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, उसको जाके आपको सही करना होता है। दोस्तों अगर इन सब में से आपका भी फोन में ये बग है तो आप एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर कोई और बग है जो मेरे फ़ोन में नहीं है और आपके फ़ोन में है तो आप वो भी नीचे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस अपडेट के बाद फ़ोन में क्या परफॉर्मेंस बढ़ी है। मतलब मुझे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन में बताऊं तो मुझे काफ़ी स्मूथ लगा ये सारा। मतलब मैं जब भी नोटिफिकेशन निकालता हूं या कंट्रोल सेंटर निकालता हूं ऊपर से नीचे स्लाइड करके, वो प्रोसेस मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, फ़ोन भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। मुझे दोस्तों खुद ये फील हुआ इस बीच फ़ोन को यूज़ करते हुए कि फ़ोन काफ़ी स्मूथ हो गया है और लैग वैग की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लैगिंग भी हट गया है, जो भी नॉर्मल लैग होता था वो भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। आपका अब लैग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो हल्का सा लैग आता था या फ़ोन कभी कभी अटक जाता था हैंग होता था वो सब चीज़ मुझे अभी देखने को नहीं मिला। अब बात करें दोस्तों बैटरी की, तो बैटरी भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। बैटरी भी अब देखते हैं कुछ दिन यूज़ करेंगे तो प्रॉपर पता चलेगा, लेकिन बैटरी में जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी यूज़ करने में बैटरी भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जो पहले बैटरी थोड़ा फास्ट ड्रेन होता था अभी थोड़ा सही हो गया है। और कैमरे में भी मुझे बाकी सब नॉर्मली लगा, क्वालिटी तो मुझे ठीक ठाक लगी, पहले से थोड़ी ठीक लगी, पहले तो यार काफ़ी वैसा था। अभी मैंने सेल्फीज़ कुछ फ़ोटोज़ लिए थे और बैक कैमरे से भी लिए थे, मुझे तो काफ़ी सही लगा। और दोस्तों इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी सही हो गया, मतलब अब प्रॉपर आप कह सकते हो कि ओवरऑल आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैग वगैरह की और बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आपकी कोई और राय है, आपका कुछ और विचार है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेट करें। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।